आयुक्त कार्यालय में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों ध्वजवंदन किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं पुलिस आयुक्त मितेश कुमार ने भी सभी को शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को प्रगत और बलशाली बनाने के स्वप्न को हम सबको पूरा करना है। महाराष्ट्र की सरकार अर्थात मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मिलकर सभी को एकत्र कर देश को विकसित करने का कार्य करेंगे। मजबूत भारत की नींव मजबूत महाराष्ट्र से तैयार की जाएगी, ऐसा भी उप मुख्यमंत्री ने इस वक्त कहा। भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के निमित्त से सभी देशवासियों को मैं स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे इस स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने जो अपेक्षा व्यक्त की है कि हमारा अमृत काल शुरू है और इस अमृत काल में भारत को एक बलशाली और विकसित देश बनाना है और समावेशी विकास, सभी को साथ में लेकर विकास, इस प्रकार का जो मंत्र दिया है। महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे इनके नेतृत्व में समाज के सभी तबकों के लोगों को साथ में लेकर विकास की राह पर चलेगी। मजबूत भारत की नींव मजबूत महाराष्ट्र से हम तैयार करेंगे। मैं फिर एक बार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और विशेष रूप से जो नाम और अनाम गुमनाम ऐसे जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है सभी को आज के इस मौके पर मैं नमन करता हूँ। सर्व नागरिक स्वतंत्रता दिनानिमित्ताने हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। स्वतंत्रता दिनाच्या सर्व नागपूर शहरवासियांना आणि सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। आज जो स्वातंत्र्य दिन आहे 75वा भारताचा स्वातंत्र्य दिन, अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्य दिन, त्याचा सर्व नागपूरकरांना अत्यंत मनपूर्वक शुभेच्छा आणि स्वातंत्र्य दिन चिराई होवो ही ईश्वर चरणी प्रार्थना। मी सर्व भारतवासियांना 75वा स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। धन्यवाद।